أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. علينا كنا فاعلين. अहाल आखिरत के सिलसिले में हमारी गुफ्तु हो रही है और हम रोज़े आखिरत में होने वाले वाकयात और रोज़े आखिरत की हौलनाकियाँ रोज़े आखिरत की शिदतें और रोज़े आखिरत रोनुमामा होने वाले वाकयात के हवाले से किताब सुन्नत की रोशनी में मुख्तलिफ़ बातें गुज्त द्ररूस में हमने सुनी हैं और सुनते आ रहे हैं आज जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है सूरतुलम्बिया की अल्लाह रब्बुल रबुलामी ने इसमें वक़ो क़ियामत के बाद वाक़े होने वाले एक हादिसे का तस्करा फरमाया अल्लाह ताला तहा यद से झल्ल लुभ जिस दिन हम आसमान को वैसे ही लपेट देंगे जिस तरह एक कातिब और लिखने वाला लिखने के बाद एक रजिस्टर में औराख को और पेपर्स को लपेट देता है किस आसानी के साथ किस सहूलत के साथ एक लिखने वाला एक कातिब औराख को रजिस्टर और में समेटता है लपेटता है अल्लाह ताली ने कहा कि हम भी आसमान को कल रोज़े कियामत उसी तरह से लपेट देंगे समेट देंगे कम बदना खल और जिस तरह पहली तखलीक का हमने आगाज़ किया था उसी तरह हम, हम दूसरी तख्लीक का उस तख्लीक का अहदा भी करेंगे वदिना इन्ना खुन्ना फ़ाली ये सब बातें होकर रहने वाली हैं ये वादा है जो हमारे जिम्मे हैं और अल्लाह अपने वादे की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करता इन्ना कुन्ना फ़ालीन हम ऐसा करने वाले हैं कुरानी मजीद की एक दूसरी आयत में अल्लाह इसी वाक़े की तरफ इन अल्फाज में इशारा किया वमी अनक़त हो यल़िया

कि सारी की सारी ज़मीन उसकी एक मुट्ठी में होगी कल क़ियामत के रोज़ व समा व तुम अथ तुम भी अमीनी और सातो आसमान अल्लाह तबारक व के दाह हाथ में लिपटे हुए होंगे सुबह नहुआ अनबाशून पाक है वो ज़ात पाक है अल्लाह तुलंद वाला उनके शर्क से और उनके शरीकों से हदीसों में आता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि कल जब क़ियामत कायम होगी अल्लाह रब्बुल रबालमीन अपने एक हाथ में जमीनों को समेट लेगा दूसरे हाथ में सातों आसमानों को लपेट देगा और कहेगा अल जबरून अल मुचकबर कहाँ हैं जमीन के बादशाह कहाँ हैं ज़मीन पे इतराने वाले कहाँ हैं ज़मीन पे तकबर करने वाले कहाँ हैं ज़मीन पर म जबर की रिवायतों को जारी वो सारी रखने वाले कहाँ हैं वो जो अपने असर रसूख की बुनियाद पर मेरे बंदों पर सितम ढाया करते थे कहाँ हैं बादशाह कहाँ हैं ताजदार कहाँ हैं हुकमरान जो दुनिया में मेरे दिए हुए आर्जी इख्तियार को लेकर गुरूर में मुबतला हो गए धोखे में मुबला हो गए और ख़ुद को शहीन शाह आज़म समझ रखा था أنا أحيي وأميت بعد شاه وقت كان هو वो जो कुछ आर्जी इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दे देता है उस आर्जी इख्तियार से इस कदर वो धोखे में मुब्तला होते हैं वो समझते हैं कि जैसे वो ज़मीन व आसमान के मालिक बन गए कई बादशाह ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रुबूबियत का दावा किया मैं रब हूँ मैं अल्लाह हूँ मेरी पूजा की जाए मेरी परस्तिश की जाए नमरूद ने इब्राहीम से कहा अना उही व उम्मीद मैं भी जिसे चाहे जिला सकता हूँ मैं भी जिसे चाहे मार सकता हूँ मैं भी जिसे चाहे जिंदगी दे सकता हूँ मैं भी जिसे चाहे मौत दे सकता हूँ जब इब्राहिम सलाम ने कहा मेरा रब तो वो है कि जिसके हाथ में मौत हयात है वो जिसे चाहता है जिंदगी देता है जिसे चाहता है वो मौत देता है नमरूद ने कहा वो तो मैं भी करता हूं अल्लाह आलमीन ऐसे मतकबरों ऐसे जालिमों, ऐसे जाबिरों और ऐसे मगरूरों से कल हशर के मैदान में सवाल करेगा ऐन जबाबिर जबारोन कहाँ है वो जाबिर लोग कहाँ है वो जालिम लोग कहाँ है वो मग़रूर लोग और कहाँ है वो मतकबर लोक मुल्कुल योम आवाज दी जाएगी आज बादशाहत किसकी है आज इकतेदार किसका है आज इख्तियार किसका है आज सल्तनत किसकी है आज हुकूमत किसकी है बताए तो कोई सारे हश्र के मैदान में हर तरफ खामोशी छाई रहेगी हर तरफ सुकूत छाया रहेगा इसलिए खुद वही जवाब देगा ला दिल कहार सच्ची बादशाहत आज की बादशाहत आज की सल्तनत आज की हुकूमत आज का इख्तियार आज का इकतदार सही मानों में अगर है तो सिर्फ और सिर्फ रब्बुल रब्बुलमीन का है जो अकेला है वाहिद है अहद है कहार है और सब पे गिब है हजरात कल जब ये दिन आएगा और हजर की ये अदालत क़ायम होगी कुरान कहता है कि काफिरों के लिए बहुत बुरा दिन होगा काफिरों के लिए बहुत बुरा दिन होगा यो मुनासिर कुरान ने कहा बड़ा मुश्किल दिन होगा बड़ी मुश्किल होंगे काफिरों के लिए रोज़ क्यामत जब हश्र के मैदान में खुद को खड़े हुए पाएंगे काफिर और मुशरक उन्हें अपने कुछ नेकियां याद आएंगी उन्हें कुछ अपनी नेकियां याद आएंगी कि दुनिया में हमने कुछ भूखों को खिलाया था हमने प्यासों को पिलाया था हमने कुछ मजलूमों की मदद की थी उनकी कुछ नेकियाँ उन्हें याद आएंगी रबालमीन उनकी सारी नेकियों को उनके सारे अमाल साल को उनके खफर के सबब उनके शिर्क के सबब, रब्बुल रबालमी उनके सारे अमाल को बातिल कर देगा ज़ाये कर देगा अल्लाह रबालमीन के पास कबूलियत अमल की पहली शर्त है ईमान अमल तब कबूल होगा जब अमल करने वाला अल्लाह की जात पर उसकी वहदानियत पर उसकी तोहीद पर सच्चा ईमान लाए और तोहद की बुनियाद पर अमल करे ईमान सही की बुनियाद पर अमल करे अमल काम आएगा ईमान के बग़ैर तो के बगैर होने वाले सारे अमाल बेकार हैं बर्बाद हैं कुरानी मजीद ने काफिरों के अमाल को देखी किन किन चीज़ों से तजबी दी है अल्लाह कहेगा सुर फ़ुर्क़ान में फरमाया वम नाम फ मंूरा काफिरों ने जो अमाल किए होंगे काफिरों ने जो नकियाँ की होंगी काफिरों के अमाल को हम हवाओं में परागंदा ज़र्रात आपके घर में मकान में अगर दरीचा खुला हुआ हो और उस दरीचे से रोशनी पड़ रही हो सूरज की उस रोशनी में कुछ ज़र्रात उड़ते हुए नज़र आते हैं ये बेक़ीमत जर्रात होते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती उनकी कोई वक़ात नहीं होती उनकी कोई कीमत नहीं होती अल्लाह रबालमीन ने काफिरों के अमाल को इन्हीं परागंदा जर्रात से तस्वी दिए तुम जो सूरज की गर्मी में सूरज की रोशनी में जब तुम्हारे दरीचे से घर में पड़ती है जिस तरह परागंदा जर्रात को उड़ते हुए देखते हो काफिरों के अमाल की हैसियत भी कल रोज़ क़ियामत ऐसी ही होगी बेकीमत होंगे उनके अमाल उनके अमाल की कोई कीमत उन्हें नहीं मिलेगी एक दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, राख से तजी दी कहा कि काफिरों के अमाल कैसे हैं ये हाँ, मेहनत करें वक्त सर्फ करें पैसा सर्व करें उम्र सर्व करें अच्छे काम करें और उसके बावजूद इनकी सारी ने किया बर्बाद अल्लाह ने उसको राख से तजवी दी मसलिन कफ और أعمالهم كرمادٍ اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما نسبوا على شيء كافرون كمثال كافرون كأعمالك مثال بالكل واسهى، جسر راخو راخو और राख पर जोर की आंधी चले जोर की हवा चले तो आप देखोगे कि ये राख उड़ के चली जाती है ये कहीं दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएगी वैसे ही काफिरों के आमाल भी जब उन्हें कल रोजे क़ियामत नेकियों की ज़रूरत होगी अमाल साल की ज़रूरत होगी इनके अमाल भी राख जैसे उड़ा दिए जाएंगे क्या मतलब है शिरक की मिसाल एक आग जैसी है कुफर की मिसाल एक आग जैसी है शिरक और कुफर की ये आग आमाल साल को जलाकर कर खाकिस्तर कर देती है जैसे अंगार अगर जंगल में भी लग जाए जंगल चाहे कितना बड़ा हो जंगल के दरख्त चाहे कितने अजीम हो और कितने मोटे मोटे तने हो आग के सामने कोई दरख्त टिक नहीं सकता है कोई लकड़ी टिक नहीं सकती है आग चन लम्हों में जंगल को खा जाती है अल्लाह ने कहा कि कुफर और शिर की मिसाल इसी आग जैसी है कि बड़ी बड़ी नेकिया इंसान की कुफर और शर के आगे टिक नहीं सकती कुफर और शर की आग उन अमाल को जलाकर कर खाकिस्तर कर देती है और राख बना देती है सुर नूर में अल्लाह ताला ने काफिरों के अमाल को एक और तस्वीर दी और वो है शराब अल्लाह ने कहा مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، قال: لا تعلاني ايك مسافر سهرام سفر खुले मैदान में चटियल मैदान है सेहरा है रेत ही रेत है और जो रेत वाले सेहरा में सफर करता है मुसाफिर उसको एक मंजर नजर आता है क्या नजर आता है मालूम उसको? उसे सामने दरिया नजर आता है, उसे सामने तालाब नजर आता है उसे सामने पानी नजर आता है लेकिन यह ऐसा दरिया है ऐसा पानी है जैसे जैसे वो उसके करीब जाता है वैसे वैसे वो दरिया वो पानी दूर होते जा रहा है उससे आ, उसकी आंखें तो देख रही हैं पानी है। हाँ क्या है ये शराब इसी को बोलते हैं शराब ये आंखों का धोखा है चमकती रेत सहरा में कैसे नजर आती है पानी की तरह नजर आती है सहरा का मुसाफिर और वो भी ऐसा मुसाफिर सब जमैन जमान, जमान किसे बोलते हैं प्यासे को बोलते हैं कि सहरा में चलने वाला मुसाफिर मुसलसल चलते चलते थक चुका है उसे पीने के लिए पानी की जरूरत है प्यास लगी है ऐसी प्यास में उसे वो पानी नजर आ रहा है मगर मसला ये जितने कदम बढ़ा रहा है उसमें और पानी में फासला घट ही नहीं रहा है फासिला जितना का उतना ही है कहा जैसे ये शराब इसकी प्यास बुझाने वाला नहीं वैसे ही काफिर भी अपनी नेकियों को हशर के मैदान में याद करेगा अपने तस्वुरात में सामने देखेगा जिस तरह से उस शराब से इस मुसाफिर की प्यास नहीं बुझ सकती वैसे ही उस काफिर की वो नेकियां हशर के मैदान में काम नहीं आ सकती शराब से अल्लाह ताला ने तशबीह दी तो हजरात काफिर के लिए वो बड़ा सख्त दिन होगा जब जब उसके हक हाँ में हसरतें आएंगी इसलिए वह अंदर हम हसरा रोज़ क़ियामत के सिलसिले में कहा गया ये हसरत न दिन है जब काफिरों गुनहगारों के हक में सिवाय हसरत और मायूसी के कुछ नहीं आएगा कहा गया वह योमर अ पैगम्बर आप उन्हें हसरत के दिन से डरा दीजिए जब सारे मामलों के फैसले हो जाएंगे और हजरात कुछ गुनहगार मुसलमान ऐसे होंगे मुसलमान और गुनहगार देखो असल अजाब शुरू होता है जहन्नम में जाने के बाद हिसाब के बाद किताब के बाद अजाब शुरू होता है लेकिन कुछ गुनहगार ऐसे हैं और ऐसे होंगे उनका अजाब जहन्नम में जाने से पहले शुरू हो जाएगा वैसे देखो हशर की मैदान में खड़े होना हशर की अदालत में खड़े होना ये खुद एक अजाब से कम नहीं लेकिन कुछ गुनहगार ऐसे हैं कि इस अजाब के अलावा अल्लाह आलमीन उनके पास गुनाहों की सज़ा फौरन शुरू कर देगा जहन्नम में जाने के बाद तो वो अलग हशर के मैदान में उनकी सजाएं शुरू हो जाएंगी इसमें कौन है मान जक़़त जक़ात अदा ना करने वाले माल रख कर रखकर रख कर ताकत रखकर जिन्होंने अपने माल की जकात ना निकाली होगी हाँ वो अल ये इतना बड़ा गुनाह है कि जहन्नम में जाने से पहले ही अल्लाह हशर के मैदान से ही इनका अजाब शुरू हो जाएगा में, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान का माल अजहे की शक्ल में लाया जाएगा साहेब माल के गले में डाल दिया जाएगा और वो अजहा उसके जबड़ों को पकड़ कर उसे डसते हुए कहेगा अना मालुक अना खनजुक मैं तेरा वो माल हूँ मैं तेरा वो ख़जाना हूँ जिसे जमा कर कर के रखना था जिसे तू बैंकों में जो है इकट्ठा कर, कर कर के रखता था अल्लाह के रास्ते में तुझे खर्च करना नहीं आया हमारा जमा किया हुआ माल अजहे की शक्ल में आएगा और डसता रहेगा सोना और चांदी हो प्यारे नबी ने कहा मालिक के निसाब हो सोना निसाब को पहुंचा हुआ चांदी निसाब को पहुंची हुई और जक़ात नहीं देता अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्कि कुरान में भी आयत मौजूद है उस सोने और चांदी की को तख्तियों की शक्ल में लाया जाएगा उन तख्तियों को जहन्नम की आग पे तपाया जाएगा और साहेब माल को दागा जाएगा उसकी पेशानी को उसके चेहरे को उसकी पीठ को दागा जाएगा और जब तक कि अल्लाह तबारक वाली हिसाब व किताब ना ले ले, हशर की अदालत में हशर के मैदान में सारी मखलूक के सामने इन्हें अजाब दिया जाता रहेगा का अगर किसी के पास जानवर हों बकरियों में जक़त वाजिब होती है चालीस बकरियाँ अगर किसी के पास हो जक़त वाजिब होती है तीस गायें किसी के पास हो जकवात वाजिब होती है पांच ऊंट अगर कम से कम किसी के पास हो जकवात वाजिब होती है ये जानवर रखे कोई और जकवात ना दे प्यारे नबी सल्ला सल फरमाते इन जानवरों के मालिक को मैदान में हशर की सरजमीन पर लिटा दिया जाएगा और ये जो जानवरों का रेवड़ है जिन्हें खिलाता था पिलाता था और उनमें वाजिब होने वाली जकत उसने नहीं निकाली ये सारे के सारे जानवर उस पर चढ़ाए जाएंगे सारे के सारे जानवर उस पर चढ़ेंगे उसे रौन देंगे उसे खुंद लेंगे तस्वर करो कि अगर किसी पर ट्रेन चढ़ जाए क्या होगा जानवर के रोंदने का मतलब क्या है? प्यारे नबी फरमाती हैं सब जानवर ऐसे लाए जाएंगे औसमाना मै क्या बिल्कुल वो जो दुनिया में मोटे से मोटे जो रहे हर जानवर जो है बहुत मोटा ताजा होगा इस हाल में लाया जाएगा और मालिक माल पर से उन जानवरों को बारी बारी गुजारा जाएगा जब कभी आखिरी जानवर गुजर जाएगा फिर पहले जानवर को लौटाया जाएगा ये जानवर रौंदते रहेंगे उसे देखो ये

माल की मोहब्बत में आगे जक़ात निकाला नहीं उसके साथ ऐसा होगा कि हिसाब व किताब और नारे जहन्नम में जाने से पहले ही उसकी सज़ा जो है शुरू हो जाएगी इन श्रह आने वाले हालात हम अपने आने वाले दुरूस में सुनेंगे दोब्ल आलमी से लाला तबारक वाली मुझ कहने वाले को और आप सुनने वालों को कल रोज़ क़ियामत की रसवाई और हशर की अदालत में किसी भी किस्म की ज़िल्लत से अल्लाह ताली हम सब की आप सबकी हिफाज़त फ़रमाएँ आमीन वाक़ुर दावा नालदुल्ल रबालमी